नगर पालिका ने 4 साल पूरे होने पर आप लोगों को याद होगा हमारे एमपी साहब यहाँ पे आए थे नगर पालिका के नए कार्यालय में उद्घाटन के लिए। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि पिछले 4 साल में नगर पालिका ने 80 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। उसकी वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे, उसको जाके आप देखोगे। तो अब 4 साल में 80 करोड़ रकम अगर मान के चले हैं तो 5 साल होते होते ये 100 करोड़ का आंकड़ा करीबन पार कर जाएगा नगर पालिका खर्चे का। उस 80 करोड़ रुपये में इन्होंने सफाई का जो टेंडर था वो भी उसमें काउंट नहीं किया था, तो 5-6 करोड़ 7 करोड़ रुपये 5 साल में सफाई पे भी खर्च किया उन्होंने, तो वो भी काउंट कर रहे हैं अगर हम, तो आंकड़ा ये 90 करोड़ के आसपास पहुँचता है और 5 साल में तो 100 करोड़ पार कर जाएगा उम्मीद है। क्योंकि 100 करोड़ रुपये नगर पालिका ने अगर शहर में खर्च किए हैं तो लोगों को दिखने चाहिए थे कि पैसे गए कहाँ पे, क्योंकि 100 करोड़ की रकम छोटी रकम नहीं होती। इतना बड़ा हमारा शहर नहीं है कि 100 करोड़ इसमें खर्च आप कर दो कर दिखाई भी नहीं देंगे लोगों को। तो आज हमने करीब 1 हफ्ते पहले इनकी सफाई व्यवस्था पे सवाल खड़े किए थे कि 15 करोड़ खर्च करने के बावजूद सफाई पे शहर में सफाई का क्या हाल है, वो सबने देखा भी था। इनके पार्क में गंदगी पड़ी थी, सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहता है, तो रात को ठेके वाले आते थे सफाई वाले, अब वो भी नहीं आते, और जो गली गली में आते हैं कूड़े वाले उनका भी मैंने बताया था आपको कि कैसे वो डेली ना आने के बजाय 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में आते हैं। तो 15 करोड़ रुपये उन्होंने सफाई पर खर्च किए थे और हालात हमने आपको दिखाए थे उस दिन पार्क में। आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे मदन भाई साथ बैठे हैं हमारे, इन्होंने एक आइडिया लगाई थी और ये RTI लगाई थी इन्होंने, इसमें पीछे तारीख लगा हुआ 17/1/2022 के जनवरी के महीने में। इस RTI का जवाब नगर पालिका ने 11 महीने में जाकर दिया है। इसका रूल होता है कि भाई 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन 1 महीने में जवाब ना देके